All right. So, my dear friends, here we are sitting in the concept class of goods and service tax. चाहे MCQ based questions हो या descriptive type के questions हो goods and service tax से, ये आप लोगों का solve हो जाएगा अगर आप लोग केवल इसको ध्यान से सुन ले whatever is going on here. सबसे पहले तो सर, goods and service tax कौन सा तरीके का tax है? दोस्तों goods and देखो, दो तरीके का tax होता है, एक होता है direct tax और एक होता है indirect tax. जनाब याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है सर जी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप लोगों का एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स सर. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है दोस्तों जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो सीधा मेरे इनकम पर लगता है. मान लीजिए मैं एक ईयर में 50 लाख रुपीज कमाता हूँ, 50 लाख पे सरकार मेरे से अगर टैक्स लेती है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. पर आप लोग सोचो, अच्छा डायरेक्ट टैक्स वही लोग देते हैं जिनका एक सर्टेन लेवल हाई होता, लेवल ऑफ इनकम होता है. पर इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई देता है, अमीर से गरीब. क्यों? क्योंकि ये लगता किस पर है? ये लगता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज पर. आज आप लोग अगर एक बिस्किट का पैकेट लेकर आते हो, है ना, आप लोग एक रेस्टोरेंट एक कैफे में जाकर आते हो, आप लोग जीएसटी पे कर रहे हो, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगे, ना कि इनकम पर. तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है. जी सर. सर इंडिया में, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज में आया, पर इंडिया में दोस्तों याद रखिएगा, इंडिया में ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था, ये आया था आप लोगों का इंप्लीमेंट हुआ था पार्लियामेंट में लगभग 29 मार्च को ये पास हुआ था, 29 मार्च या 29 जून को हुआ था, परंतु इंडिया में एप्लीकेबल, पूरा इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017, इंप्लीमेंटेड इन अवर कंट्री इंडिया. अच्छा, जो दोस्तों जीएसटी का सिस्टम होता है ना, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है. आपसे पूछ सकता है कि इंडिया किसका सिस्टम फॉलो किया, तो दोस्तों याद रखना, इंडिया जो है वो फॉलो किया कनाडा का सिस्टम, कनाडा में जैसा चलता है. और कनाडा में कैसा चलता है सर? ड्यूअल रेजिम. ये ड्यूअल रेजिम क्या है, अभी जानने का आप लोगों को कोई काम नहीं है, बस बता दिया कि कल को एमसीक्यू में पूछ ले तो यू पीपल आर प्रिपेयर्ड, कि कनाडा का मॉडल को इंडिया अडॉप्ट किया है. ठीक है ना सर? एक और बात बताना चाहता हूं जो कि एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है सर, कि जीएसटी जो है, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी जो है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये अवॉइड डबल टैक्सेशन. जीएसटी अवॉइड्स व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन. अभी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू जीएसटी को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि ये जीएसटी जो सर बोल रहे हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइड करता है, सर आखिर कहना क्या चाहते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा. पर ये चार बातें भूलना मत. किसी को लग रहा है सर रटा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चीज अभी क्लियर हो जाएगा जब न्यूमेरिकल एग्जांपल लूंगा. पर ये याद रखना कि जीएसटी अवॉइड करता है डबल टैक्सेशन, ये चार बातें मत भूलना. अगर एमसीक्यू में पूछना चाहा तो पूछ सकता है. सर अब आइए आप मेन बात पर, कि यार ये चक्कर चल क्या रहा है जीएसटी के अंदर, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ जीएसटी सर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन सर? आई सर डेफिनेटली यस. प्लीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक है पर्सन ए, पर्सन ए जो है सेल करता है गुड्स को. क्या सेल करता है सर? सेल्स गुड्स या सर्विसेज भी हो सकता है, पर मैं बोलता हूं सेल्स गुड्स टू पर्सन बी. पर्सन बी पर्सन सी को सेल करता है गुड्स. दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग को, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग को. हाँ जी सर बताइए, हम लोग सुन रहे हैं. मैंने कहा दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को, कि आप लोग को सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये विद इन द सेम स्टेट है या अलग स्टेट है. आज मान लीजिए ए बी को जो बेचता है, दोनों ए और बी जो है बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर है, स्टेट है वेस्ट बंगाल. पर सी भाई साहब जो है वो रहते हैं महाराष्ट्र, मान लीजिए. तो दोस्तों यहां पर आप लोग समझिएगा, दो कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूं, वो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट. अगर सेलर और बायर सेम स्टेट में है, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूं, अगर सेलर और बायर, ए सेल कर रहा है बी बाय कर रहा है, अगर दोनों सेम स्टेट में है दोस्तों, तो अपने इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी. ठीक है ना जी? हाँ जी सर, इंट्रा स्टेट, बिकॉज विद इन द सेम स्टेट ये चल रहा है दोस्तों,
परंतु आप लोग समझिए कि अगर बंगाल से लेके महाराष्ट्र पे जो ये सेल है, अगर ये प्रोसेस हो रहा होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर स्टेट बदल रहा है दोस्तों, और अगर स्टेट बदलता है दोस्तों तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, इंट्रा और इंटर। याद रखिएगा, अगर सेम स्टेट है दोस्तों, सेम स्टेट है तब आप इंट्रा स्टेट बोलते हो, और अगर डिफरेंट स्टेट का इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों तो आप इसको बोलते हो इंटर स्टेट जीएसटी। हाँ जी सर, बिल्कुल हमारे को कंसेप्ट तो एकदम क्लियर है, इंट्रा और इंटर दोनों समझ में आया सर। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप एक इंट्रा स्टेट जीएसटी के अंदर हो, अगर आप एक इंट्रा स्टेट जीएसटी के सिस्टम को फॉलो करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर दो बातें आ जाती है। वो दो बातें क्या है? पहली बात सीजीएसटी और दूसरी बात एसजीएसटी। ये दोनों टैक्सेस लगते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच में है ना, तो उसको बोलते हैं आईजीएसटी। दोस्तों याद रखना, आईजीएसटी का जो रेट होता है, अगर मान लो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी मान लो 18% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। एक और चीज है दोस्तों, जो यूनियन टेरिटरी होती है, दिल्ली हो गया या जो भी यूनियन टेरिटरी होता है गाइस, जब यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो यूनियन टेरिटरी पर जो लगता है उसको बोलते हैं यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। हालांकि इसके बारे में इतना ज्यादा बातचीत का दरकार नहीं है, स्टिल मेरे को बताना जरूरी लगा। आईजीएसटी का फुल फॉर्म बाय द वे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारी सरकार ने जो है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने जो है 5 GST रेट्स को इंट्रोड्यूस किया है। हमारी कंट्री में कितने रेट्स ऑफ जीएसटी चलते हैं दोस्तों? 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5, पूरे 5 रेट्स ऑफ जीएसटी चलते हैं। पहला 0%, 5%, 10%, 18% और 28%। आप जितना लग्जरी आइटम की तरफ जाओगे ना गाइस, उतना टैक्स रेट बढ़ते जाएगा, है ना। आप गाड़ी खरीद रहे हो या ये सब, तो जनरली वो सब 28% के अंदर है। 18% में जैसे 5-star रेस्टोरेंट या कोई रेस्टोरेंट जा रहे हो तो 18% है, ठीक है ना। 10% कुछ रेगुलर गुड्स पर है, 5% आपका फूड में, जो आप कैफे या नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो उस पर 5% है। अच्छा सर, स्टूडेंट्स ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0% जीएसटी क्या हुआ सर। आज अगर कोई भी चीज पर आप 0% कैलकुलेट करोगे तो सर जी आएगा तो जीरो ही, तब फिर हाउ कैन 0% बी अ रेट ऑफ जीएसटी? आप लोग गेम समझे नहीं दोस्तों। जब कोई सरकार 0% जीएसटी बोल रही है ना, इसका मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि आज तो हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, पर बट ध्यान तो सुनिएगा आप लोग, 0% का मतलब है कि सरकार हम पर कोई टैक्स नहीं लगा रही है, परंतु वो आज टैक्स नहीं लगा रही है, कल को गवर्नमेंट चाहेगी तो जस्ट एक नोटिफिकेशन डालेगी और 0% से रेट बढ़ा देगी। दैट इज द आइडिया ऑफ 0% जीएसटी रेट, ठीक है ना जी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ये जो पांचों रेट्स हैं दोस्तों, ये आईजीएसटी के समझ लो। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो आधा होते जाएगा। मान लो कि किसी गुड्स पर आईजीएसटी 10% है, पर अगर वो सेम स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी 5-5% में बढ़ जाएगा। अगर 5% है तो 2.5, आधा होते जाएगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है सर। अब दोस्तों याद रखना दो कंसेप्ट, सबसे पहले एक्चुअली 3 कंसेप्ट। सबसे पहले दोस्तों आउटपुट जीएसटी। दोस्तों जब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो ना, तो उस पर जब आप जिस प्राइस पर सेल कर रहे होते हो, चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है ना, ये ऑब्वियसली इनपुट जीएसटी भी किसी का सेलिंग प्राइस था, बट फॉर अ शॉपकीपर इट इज द परचेज प्राइस कैलकुलेटेड ऑन परचेज प्राइस। आपको बेहतर समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चिंता ना करना, अभी के लिए आप लोग यही समझना।
और जीएसटी पेबल, याद रखना काफ़ी स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं स्टूडेंट्स कि सर जीएसटी आउटपुट जीएसटी तो जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट है। नहीं, जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। सिंपल लॉजिक के लिए याद रखूं, अभी मैं आपको सेट ऑफ रूल्स नहीं बता रहा, पर सिंपल भाषा में आप लोग याद रखिए आपके लेवल पर दोस्तों कि अगर सीजीएसटी है तो आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी जाएगा, अगर एसजीएसटी है तो आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट एसजीएसटी जाएगा, और अगर आईजीएसटी है आउटपुट तो आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी जाएगा। ये सिंपल रूल है, ये ट्रू रूल नहीं है जो रियल में इनकम टैक्स में एग्जिस्ट करता है, पहले ही बता दिया, पर सिंपल भाषा इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, जीएसटी लॉ में जो एग्जिस्ट करता है। पर हाँ मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल भाषा में ये है, अभी आप लोग के लेवल के लिए, सीजीएसटी से सीजीएसटी जाता, एसजीएसटी से एसजीएसटी जाता, आईजीएसटी से आईजीएसटी जाता, सिंपल भाषा। आगे बोलो सर। मैं बोला देखो अब गेम शुरू होता है दोस्तों। हाँ जी सर बताइए। ए एक सेलर ऑफ गुड है, बी एक सेलर ऑफ गुड है, सी एक बायर ऑफ गुड है, अल्टीमेटली फ्रॉम बी। ये लोग जो है, ये लोग तीनों के तीनों जो है हमारे बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, ठीक है ना जी। हाँ जी सर बिल्कुल वेस्ट बंगाल से। अब मैंने आपको क्या कहा दोस्तों कि ए बी को प्रोडक्ट सेल करता है, मान लीजिए ए बी को प्रोडक्ट सेल करता है, रुपीज 5000 पर, ठीक है ना। अच्छा अब ए ने जो गुड्स सेल किया, सेलिंग प्राइस 5000, इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें ए के कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूडेड है और ए का प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूडेड है। हाँ जी सर बिल्कुल इंक्लूडेड है। अब ए ने इस प्रोडक्ट को जरूर कहीं ना कहीं से परचेस किया होगा सर, खुद मैन्युफैक्चर किया तो। हाँ चलिए मान लीजिए खुद मैन्युफैक्चर किया, मान लीजिए ये कोई फर्नीचर है, मान लीजिए एक चेयर है, लकड़ी का चेयर है, तो एटलीस्ट वुड लकड़ी तो ए को कहीं ना कहीं से परचेस करना पड़ा होगा ना। हाँ जी सर करना पड़ा होगा। मान लीजिए ए ने उस लकड़ी को परचेस किया था 2000 में, ठीक है ना। हाँ जी सर। ए ने बी को सेल किया फॉर 5000 ये पर्टिकुलर चेयर, तो बी का परचेस प्राइस क्या हो गया सर जी। सर जी बी का परचेस प्राइस 5000 हो गया। अच्छा परंतु बी ने जो इसको सेल किया दोस्तों, बी ने इसको जो सेल किया दोस्तों वो सेल किया रुपीज 8000 पे, रुपीज 8000 पे बी ने इसको सेल किया। किसको सेल किया, सी को सेल किया। सी ने जो है इसको परचेस किया दोस्तों रुपीज 8000 में, ऑब्वियसली। सुनिएगा बात को भी, अभी मैं यहां पर मसाला डालते जाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेने का, परंतु आप लोग सुनने का पूरी बात को। अब आप लोग देखिए चल क्या रहा है, जब ए ने सेल किया ना, याद रखना जीएसटी पे चार्ज कब होता है टैक्स, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक सिक्स पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट भी ऐड कर देता हूं, जीएसटी चार्ज्ड एट टाइम ऑफ सेल या सप्लाई बोलते हैं इसको जीएसटी लॉ के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी सर बिल्कुल। तो अब जब जनाब ए ने बी को सेल किया, अच्छा मान लीजिए वेस्ट बंगाल है वो तो मैंने कह दिया, और मान लीजिए इस पर्टिकुलर कमोडिटी पर जो जीएसटी रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है ओवरऑल। पर आप लोग क्या सीखे हो कि सर हम लोग तो 5% कैलकुलेट करेंगे सी जीएसटी और एसजीएसटी। बिल्कुल सर आप लोग सही कहते हो, आई एम विथ यू ऑल दोस्तों। अब गाइज आप लोग समझना, मान लीजिए ए ने जिससे परचेस किया वो भी बंगाल का आदमी था, ठीक है ना। अब आप लोग वुड क्या परचेस किया, वुड एक बार के लिए मान लेते हैं ना सिंपल भाषा में दोस्तों, जब ए ने 5000 सेल किया ना बी को, मतलब प्रोडक्ट को, तो ए बी से 5000 नहीं लेगा, ए बी से उससे ज्यादा लेगा। आइए अब मैं इसको तीन पार्ट में बांट देता हूं, ए बी और सेल, हालांकि ए बी को सेल किया बी सी को सेल किया, पर मैं इनको तीन पार्ट में बांट देता हूं दोस्तों, समझना दोस्तों। पहले ए का हम लोग देखते हैं क्या हुआ दोस्तों, पहले ए का इनपुट सी जी एस टी और ए का इनपुट एसजीएसटी जानिए, क्योंकि सेम स्टेट है। ए ने जो वुड परचेस किया वो सेम स्टेट से किया, मान लीजिए वुड पर 10% लगता है, एक एग्जांपल लेता हूं। तो गाइज अगर इस पर 10% लगता है तो 2000 का 10% कितना लगा, 200, मतलब ए को रियल लाइफ में, ए को रियल लाइफ में टोटल 2200 देना पड़ा, 2000 + 200 जो है आपका जीएसटी, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टेकन टुगेदर। अगर इस 2200 को इक्वल पार्ट्स में बांटे तो आप 5% कर सकते हो, तो 100 आएगा। तो इनपुट जीएसटी ए का है 100 और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 100 है। हाँ जी सर बिल्कुल है।
अब मैं बोला कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप सर क्या बात को समझे आपकी बात को। मैंने कहा दोस्तों बात आगे इस प्रकार है कि ए ने लिया इस पर, ठीक है ना। अब सरकार जो है, जब सरकार को ये 5000 में प्रोडक्ट, मतलब बी को जब ये प्रोडक्ट 5000 में बेचता है तो ये बी से भी चार्ज करेगा, क्योंकि ए ऑब्वियसली खुद तो बियर नहीं करेगा। तो जब बी को कितने में बेच रहा है, 5000 में, तो आउटपुट सी जीएसटी और एसजीएसटी फिर निकाल लो, आउटपुट एसजीएसटी फिर निकाल लो आप लोग, कितना हो गया सर 5%, 5% ना, तो 5000 पे 5% हो गया 250। अब दोस्तों जो स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि ये जो ए है वो सरकार के पास 250 जीएसटी देगा, वो गलत बोलते हैं। क्यों गलत बोलते हैं आप समझिए, क्योंकि जब ए ने दोस्तों अपना सेलिंग प्राइस 5000 डिसाइड किया, तब इस 5000 के अंदर उसका ये सीपी भी तो इंक्लूडेड है, सीपी मतलब परचेस प्राइस, तो यार ये 2000 भी इंक्लूडेड है। अब आप देखिए, मैं बता रहा था ना डबल टैक्सेशन के बारे में, अब आप देखिए गलत क्या होगा। अगर सरकार 5000 पे ए से टैक्स लेता है तो दिक्कत है, क्यों, क्योंकि इस 5000 के अंदर 2000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ये जो 2000 है, ये जो 2000 है, जिसने वुड सेल किया था, वुड सेलर जिसने इसको वुड सेल किया था, वो जो सेलर है वुड का, वुड सेलर, वो जो सेलर ऑफ वुड है यार, उसने जब ए को सेल किया था तब उसने ए से तो 200 रुपए ले लिए थे ना, तो उसने तो सरकार के पास ये 200 जमा करवा दिए, किस पर, इस 2000 पर। अब अगर सरकार इस 5000 पर जीएसटी चार्ज करती है तो सरकार गलत कर रही है। क्यों गलत कर रही है, क्योंकि 5000 पे जीएसटी जब चार्ज कर रहे हैं आप, तो इसके अंदर 2000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ऊपर से आप पहले 2000 पे ऑलरेडी जीएसटी ले चुके हैं। इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स या डबल टैक्सेशन। जीएसटी इसी को अवॉइड करता है। सरकार कैसे इसको अवॉइड करती है बताइए सर। मैंने बोला सरकार ए को बोलती है कि ओ ए भाई साहब सुनो, ये जो 100 और 100 है ये तो मेरे को पहले मिल चुका है, तुम जब मेरे को टैक्स दोगे ना तो तुम ये टैक्स मत देना, इनपुट अपना माइनस कर लेना। मतलब ए कितना टैक्स पे करेगा, टैक्स पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करेगा ए, आउटपुट सीजीएसटी 250 माइनस सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी 100 रुपए मिल चुके हैं। सिमिलरली दोस्तों टैक्स पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी दोस्तों 100 रुपीज मिल चुका है, तो 150। तो रियल लाइफ में ये जो पे करेगा, ये जो पे करेगा वो कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, 150। इसी वजह से मैंने कहा था कि आउटपुट जीएसटी और टैक्स पेबल एक बराबर नहीं है। अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब इसने जब परचेज किया बी ने, तो बी के लिए देखो, बी को जो बिल मिला, जो बिल मिला बी को, वो क्या मिला, 5000 प्लस सीजीएसटी मिला बी को, कितना का पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा 250। याद रखना, क्योंकि ए जब बिल बनाएगा तो ए खुद भी कोई खर्चा जीएसटी का बियर नहीं करेगा, जीएसटी का बर्डन ट्रांसफर हो सकता है। तो यानी कि सीजीएसटी 250 और एसजीएसटी 250, जो कि 5000 पे आप कैलकुलेट करोगे 10% तो आएगा, तो इसको रियल लाइफ में बिल इसका मिलता है। हाँ जी सर मिलता है। अब आप देखो, तो इसने बी ने क्या बियर किया, बी के लिए इनपुट सीजीएसटी कितना है सर जी, 250 है। बी के लिए इनपुट एसजीएसटी कितना है सर जी, 250 है बी के लिए। अच्छा, बी 8000 में बेचता है, तो ये था इनपुट का बिल। बी जब सेल करेगा तो बी का आउटपुट सीजीएसटी कितना होगा, आज आप लोग देखो 8000 पे 5%, क्यों 10% है पर 5-5 में बांटते हैं ना, तो 400। सिमिलरली आउटपुट एसजीएसटी भी हो गया 400। तो सरकार बी को बोलेगी कि भाई पूरा 400 मत दे, पूरा 400 मत दे हमें, क्या दे हमें, क्योंकि 400 में से तू जो 250 दे रहा है वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। कैसे, आप देखो, क्योंकि ये 8000 का जो सेलिंग प्राइस है इसमें तो 5000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 5000 पर तो जीएसटी दिया जा चुका है ऑलरेडी, दोबारा क्यों दिया जाएगा। सो जो एक्स्ट्रा 3000 है उस पर जीएसटी चार्ज होगा, और 3000 पर जीएसटी कितना पे कर लेने का है। अब आप लोग देखो, तो जीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली वो होगा 400 माइनस 250, 150, और एसजीएसटी पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी होगा आउटपुट एसजीएसटी माइनस ये, यानी कि 400 माइनस 250, 150। हाँ जी सर बिल्कुल। और अगर दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, सी परचेस प्राइस है 8000, सी को जो बिल मिला वो कैसे मिला, सीजीएसटी लिखा हुआ यहां पर,
एस जी एस टी लिखा हुआ है, इस पर 10% चार्ज कर दीजिए, तो 10% इस पर कितना होता है सर जी, आई मीन 5% 5%, तो सर जी 400 400, तो 8800, तो टोटल सी को बिल देना पड़ा 8800 का। अब आप लोग देखो, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पर टोटल जीएसटी सरकार के पास कितना होना चाहिए 800, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना होना चाहिए 400, स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए 400। सी क्या है? फाइनल कंज्यूमर, तो फाइनल कंज्यूमर को कोई मतलब ही नहीं है सरकार से। अब आप लोग देखो एक इंटरेस्टिंग बात, सरकार के पास ये 800 रुपया जा चुका है, क्या आप लोग देखना चाहोगे? हाँ सर, हम लोग देखना चाहेंगे। ये देखो, पहले सरकार ने 200 चार्ज किया था वुड सेलर से, फिर इनसे सरकार ने कितना कलेक्ट किया 150, टोटल कितना हुआ 300, तो 300 यहां पर और 200 यहां पर, टोटल हुआ 500, और वापस सरकार ने ये 20 से कलेक्ट किया 150, तो टोटल 300, 500 प्लस 300 कितना होता है सर 800, जो कि सरकार में देख लो इक्वली बढ़ चुका है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, एक स्टेटमेंट देता हूं एमसीक्यू के लिए, और फिर आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, ऑन वैल्यू एडेड, और आप लोग देख लीजिए, मैं इस बात को प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, आप लोग सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों। जब वुड सेलर ने वुड सेल किया ए को, कितने का सेल किया सर जी? 2000 का सेल किया, तो पूरा का पूरा 2000 वैल्यू ऐड किया वुड सेलर ने, 2000 पर जीएसटी कितना पड़ा 10% का, यानी कि 200, तो वैल्यू एडिशन पर। अभी देखो पिक्चर बाकी है, जब ए आगे बात को बढ़ाता है सर, जब ए बात को आगे बढ़ाता है सर, तो ए आगे गुड्स को बेचता है 5000 में। जनाब जब ए बी को 5000 में गुड्स को बेचता है, तो 5000 में गुड्स को बेचता है, तो उसमें बी एक ए ने क्या मानता कि ए का वैल्यू एडिशन तो सिर्फ 3000 है ना, क्योंकि 5000 में तो 2000 वो है जो गुड सेलर ने दिया है, तो 3000 का एडिशन है, 3000 पे सीधा 10% कैलकुलेट करिए 300 आएगा, ये देख लीजिए 150 प्लस 150 300 आ रहा है। सिमिलरली जब बी सी को बेचता है तो बी की महानता कितनी है, 5000 तो ऑलरेडी उसने ए से लिया, 8000 में बेचा, तो महानता है 3000 की, 3000 पे 10% लगा लीजिए आप लोग, 150 150 300 हो गया। अच्छा जी, और फिर अल्टीमेटली ये गेम प्लान बंद होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज हाउ द व्हील ऑफ जीएसटी वर्क्स। यहीं पर जो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा रहा हूं, यहां पर अगर अलग अलग स्टेट रही होते हैं तो गाइस आईजीएसटी लिख रहा होता मैं, मतलब सेम एग्जांपल में अगर ये मान लीजिए इंटरस्टेट होता, सेम एग्जांपल अगर इंटरस्टेट होता तो गाइस बस फर्क ये पड़ता कि फिर ए बी और सी है, यहां पर आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद बस बातें यह होती कि आईजीएसटी पेड होता एक साथ होता, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी फिर अलग होने की होता 300, यहां पर क्या होता 300 है ना, हाँ सर, यहां पर भी आईजीएसटी पेड 300, वुड सेलर का जिसने वुड सेल किया उसका आईजीएसटी पेड 200, और कस्टमर के ऊपर टोटल बर्डन, याद रखना कस्टमर टोटल बर्डन को बियर करता है हमेशा, टोटल बर्डन ऑन कस्टमर 300 प्लस 300 प्लस 200, क्योंकि इसको पास ऑन किया जाता है। गाइस डायरेक्ट टैक्स का बर्डन को पास नहीं कर सकते क्योंकि इनकम पर लगता है, ये तो बेच दीजिए किसी और को तो जो टैक्स का बर्डन है वो उस पर पास हो जाएगा। दैट माय डियर फ्रेंड्स, और दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द पूरा का पूरा व्हील ऑफ जीएसटी, दिस इज हाउ द एंटायर व्हील ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स।